हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में। दोस्तों, यहां पर कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हुई हैं और इस अपडेट का जो असर है कब से चालू होगा, ये दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही में अभी हमें यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर। और देखें, लास्ट मार्केट सेशन है, मतलब फ्राइडे, मतलब दोस्तों अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन की, तकरीबन ये स्टॉक जो है 2.70 रुपए डाउन गया था, थोड़ा सा नीचे आ जाए। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम दोस्तों जनरेट भी हुआ था फ्राइडे वाले दिन। नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर 50 लाख से 60 लाख का एक वॉल्यूम जनरेट होता है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन दोस्तों हमें यहाँ तकरीबन 3 करोड़ का वॉल्यूम दोस्तों जनरेट होता हुआ नजर आया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो 89% लोग दोस्तों यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, जबकि 5% लोग दोस्तों यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं। अब दोस्तों न्यूज क्या है पहले वो जान लेते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी PLI स्कीम का दौर चल रहा है, और PLI स्कीम दोस्तों अभी हर एक सेक्टर के लिए आती हुई नजर भी आ रही है। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर भी इससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है, और 33 कंपनियों के लिए दोस्तों PLI स्कीम का जो है वो आना तय हो चुका है। वो कौन सी कंपनीज हैं उसे दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट टू अप्रूव प्रपोजल ऑफ 33 कंपनीज। अब दोस्तों ये जो 33 कंपनियां हैं बेसिकली उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट इज लाइकली टू अप्रूव एप्लीकेशन फ्रॉम 33 कंपनीज फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दैट इज PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो HFCL है वो टेलीकॉम सेक्टर और नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स ही बनाने का काम करती है। दोस्तों ये जो स्कीम रहेगी वो तकरीबन 12,195 करोड़ की रहेगी। एम टू बूस्ट द लोकल प्रोडक्शन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट एंड मेक द इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस पे जो बेसिकली इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और इस इम्पोर्ट को कम करने के लिए दोस्तों सरकार ये कदम उठा रही है ताकि हमें बाहर से इम्पोर्ट कम करना पड़े और हमारी डिपेंडेंसी को दोस्तों यहाँ पर कम करना पड़े किसी तरीके से। क्योंकि जब तक इस तरह की दोस्तों स्कीमें नहीं आएगी तो हमारी कंपनीज जो कि यहाँ पर ये सारे काम कर सकती हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, और दोस्तों हम खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट्स, राउटर्स, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स, 5G इक्विपमेंट्स एंड कस्टमर प्रेमाइस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्शन अमंग अदर्स। दोस्तों इस तरीके सारे काम जो दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, ये सारे काम दोस्तों HFCL करता है। HFCL दोस्तों फाइबर बेस्ड कनेक्शन भी बनाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी बनाता है, इसके अलावा दोस्तों 5G के इक्विपमेंट्स सारे के सारे दोस्तों ये तैयार करता है, हम सभी जानते हैं इसमें। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैड रिसीव 36 एप्लीकेशन फॉर द स्कीम ऑफ विच 33 विल बी सिलेक्टेड, मतलब 36 में से 33 कंपनी को सिलेक्ट कर लिया गया है और 3 कंपनी को दोस्तों इसमें से रिजेक्ट कर दिया गया। वो 3 कंपनियां कौन सी जिनको रिजेक्ट किया गया है उनके नाम भी दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एंड कैंस्टल नेटवर्क, दोस्तों ये 3 कंपनी को दोस्तों रिजेक्ट किया गया है। बाकी सारी कंपनीज को दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है उनके एप्लीकेशंस को। तो दोस्तों इस चीज का फायदा जो है दोस्तों हमें कब मिलना है अब ये भी देख लीजिए। दोस्तों ये जो इफेक्टिव होगी स्कीम, देखिए लिखा हुआ है PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2021 एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1, 2021 एंड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025 विल बी एलिजिबल। दोस्तों 2021 से लेके 2025 तक दोस्तों ये एलिजिबल रहेगा, तो आप सोचे कितना बड़ा एक बेनिफिट दोस्तों इन कंपनीज को मिलने वाला है। और दोस्तों इसीलिए 1 अप्रैल से अगर आप देखें तो ये इफेक्टिव दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों इसीलिए अगर आप देखेंगे तो HFCL का जो स्टॉक है, अगर मैं आपको लेकर चलूं इसके चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों देखें अप्रैल के टाइम पर, मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग के टाइम पर दोस्तों ये स्टॉक काफी नीचे था, लेकिन ये देखें आप तकरीबन दोस्तों आप कह सकते हैं कि 23 अप्रैल से दोस्तों ये स्टॉक जो है हमें भागता हुआ नजर आना चालू हुआ, और दोस्तों ये स्टॉक जो है तकरीबन 20-22 की रेंज से हमें 95 के लेवल से दोस्तों जाता हुआ नजर आया। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जस्ट एक शुरुआत है। जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा 5G का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें जियो अभी सबसे ज्यादा आगे है, और
रिलायंस जियो में दोस्तों सबसे ज्यादा अभी हमें इन सब चीजों का, इन सब इक्विपमेंट्स का यूज होता हुआ चालू होगा, और HFCL का ऑलरेडी दोस्तों काम चालू है रिलायंस जियो के साथ में, ये दोस्तों हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा सारे टेलीकॉम सेक्टर्स में, वैसे वैसे दोस्तों हमको यहाँ पर एक जंप आना चालू हो जाएगी। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि भैया कंपनी का दोस्तों अभी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, अभी से दोस्तों 3 से 4 साल के लिए दोस्तों ये स्टॉक में भारी तेजी बनी रहेगी। तो ये स्टॉक हो सकता है कि अगले 4 सालों मतलब 2025 तक का आप एम रखिए, ये स्टॉक दोस्तों हो सकता है कि 500,000 के लेवल तक भी टच कर जाए। तो आपको उस चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर दोस्तों जल्दबाजी मत कीजिएगा, कुछ क्वांटिटी आप जरूर यहाँ पर लेकर रखें और देखें इस स्कीम का फायदा जैसे चालू होगा दोस्तों कंपनी में पोटेंशियल तो है ही, ये दोस्तों हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं इतने लंबे टाइम के लिए, उतनी क्वांटिटी दोस्तों जरूर यहाँ पर लेकर रखें, आपको डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर फायदा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या स्कीम का फायदा इस कंपनी को होगा, और होगा तो ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, प्लीज दोस्तों कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और आपने दोस्तों यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाय करी है, कितने टाइम के लिए, इसे भी मेंशन करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।